एक्सप्रेस न्यूज। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दो मंजिला मकान अचानक ही भरभराकर गिर पड़ा। इसके मलबे में एक बच्ची सहित तीन लोग दब गए। आनंद फानंद में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। कासगंज जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के नगलापुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दो मंजिला मकान अचानक ही भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में एक बच्ची सहित तीन लोग दब गए। आनंद फानंद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी की मदद से मलबे से एक बच्ची सहित तीन लोगों को घायल अवस्था में निकाल दिया गया। घायलों की तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला भूड़ में मीनाक्षी इंटर कॉलेज के समीप का है, जहां एक दो मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में पुष्मा, भावना और एक बच्ची दीक्षा सहित तीन लोग दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से तत्काल निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि मकान काफी जर्जर हालत में था। संवाददाता सचिन दुबे, संजय कुमार चौधरी, ABPS न्यूज के लिए।